बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट साइमन कमीशन व्हिच वाज हैपेंड इन द ईयर 1927। जबकि लास्ट वीडियो में हमने इसी ईयर में एक और वाकया भी डिस्कस किया जो कि था दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल। ठीक है, तो आज हम साइमन कमीशन को डिस्कस करेंगे कि क्यों ये कमीशन में ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार हुआ था इंडिया में। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक। वेल, तो साइमन कमीशन की जो कहानी है वो जुड़ी हुई है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से, मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्यों जुड़ा हुआ है? वो इस तरह जुड़ा हुआ है कि जब ये रिफॉर्म्स आए हुए थे तो गवर्नमेंट ने साथ में ये भी अनाउंसमेंट की थी कि 10 साल बाद हम एक कमीशन को अपॉइंट करेंगे और वो इंडिया में जाकर इस रिफॉर्म्स के हवाले से एग्जामिन करेंगे, इसके इफ़ेक्ट्स को देखेंगे और देखेंगे कि ये सही तरीके से वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे कि नहीं, साथ में ये फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को भी सजेस्ट करेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली क्या होता है कि 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया होता है एक कमीशन अपॉइंट करता है और इस कमीशन की कयादत जो कर रहा होता है वो सर जॉन साइमन कर रहा था। इस वजह से इस कमीशन का नाम भी साइमन कमीशन रख दिया गया। ओके, तो इस कमीशन में टोटल 7 ब्रिटिश मेंबर्स थे। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जब ये साइमन कमीशन इंडिया में पहुंचता है सो द इंडियन पीपल वर नॉट हैप्पी विद देम। क्यों हैप्पी नहीं थे, क्यों वो बहुत ज़्यादा अपराइजिंग स्टार्ट कर लेते हैं, क्रिटिसिज्म इनके ख़िलाफ़ स्टार्ट कर लेते हैं? क्योंकि जब ये कमीशन अपॉइंट किया गया था तो इसमें किसी भी इंडियन मेंबर को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि तमाम के तमाम कौन थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। सो एज आई टोल्ड यू कि जब ये साइमन कमीशन इंडिया में आता है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार होता है तो देखते हैं कि जो दो प्रोमिनेंट पार्टीज थी उनका क्या रिएक्शन था। तो सिचुएशन ये था कि कांग्रेस और चूंकि मुस्लिम लीग पार्टी उस टाइम डिवाइड हुई थी तो जो एक ग्रुप थी जिसको कायदे आज़म लीड कर रहे थे तो वो वाला ग्रुप जो था मुस्लिम लीग का, ये दोनों क्या करते हैं, ये उस कमीशन का बायकॉट करते हैं। वाइल द अदर ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीग हेडेड बाय सर मोहम्मद शफी वाज इन फेवर ऑफ कोऑपरेटिंग विद द कमीशन। सो कॉन्सिक्वेंटली साइमन कमीशन के खिलाफ पूरे इंडिया में एक बड़े पैमाने पर अपराइजिंग एजिटेशन हो रहा था और इस कमीशन को इंडिया में बहुत ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन जो था वो फेस करना पड़ा, क्योंकि वो जिस जिस जगह से गुजर रहे थे तो वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा था। इवन दो के लोगों ने इनके खिलाफ नारेबाजी भी शुरू की थी, जैसा कि उनका एक नारा था इस साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ जो कि उन लोगों ने बुलंद किया हुआ था, वो था साइमन गो बिग, साइमन गो बिग। इस किस्म के नारे वो इस साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ लगा रहे थे। बट इस तमाम बड़े पैमाने पर एजिटेशन प्रोटेस्ट के बावजूद कमीशन अपना काम स्टार्ट करता है और एक डिटेल रिपोर्ट बनाता है अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। मीन्स के एक स्कीम तैयार करते हैं ये कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ साइमन कमीशन रिकमेंडेशन। ठीक है, और इसको अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट के पास भेज देते हैं। वाइल ऑन दी अदर हैंड जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी होती है वो इस साइमन कमीशन के रिपोर्ट को रिफ्यूज़ कर देते हैं। सो ये था साइमन कमीशन। आगे चलकर हम इसके इम्पैक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस को मज़ीद टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड दिस एंड इफ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।